खमा गनीसा, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूंगी। जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो भी देखा होगा, उसके अंदर मैं कुछ इसी तरीके से रेडी हुई थी, तो वही मैं मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस मेकअप लुक को आप किसी भी फंक्शन में, किसी भी शादी पार्टी में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भाई साहब अपने किसी भी फंक्शन में या फिर अपने हल्दी फंक्शन में भी कुछ इस तरीके का मेकअप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेकअप लुक है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं क्रीम अप्लाई करूँगी फेस पे निव्या की, और ये जो क्रीम है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करती है आपके फेस को बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपकी ड्राई है तो काफ़ी बेस्ट है, अगर ड्राई स्किन है आपकी तो उसके लिए बेस्ट क्रीम है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और क्रीम आप ज़रूर अप्लाई करें, सनस्क्रीन भी अप्लाई करें, बिकॉज अब अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उससे जो आपका मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा केकी सा, पैची सा हो जाता है। तो उसके लिए अपने फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर ले। देन यहाँ पे मैं अपना जो आई शेडो पैलेट है उसमें से मैं पहले अपने आईज़ को और अपने आईब्रोज़ को मैं फिल करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मेरे गैप्स हैं आईब्रोज़ में, उनको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से शेप दे दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपकी शेप है आईब्रो में उस तरीके से आप दे सकते हैं, या फिर आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आईब्रोज़ अगर आपकी बहुत सुंदर आईब्रोज़ है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अपना दूसरा जो आई शेडो पैलेट है वो मैं ले रही हूँ, एस एफ आर गर्ल का है। और इसके अंदर जितने भी ग्लिटर शेड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और पिगमेंटेड है। तो इसमें से मैं यहाँ पे ब्राउन शेड लूँगी, जिसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा एक बेस तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डुई टाइप मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। बस आपको जो ये ब्राउन शेड जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं अपने आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक, जिसको आप लेके जा रहे हैं, उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले, जिससे कोई भी आपकी आईज़ पे हार्श लाइंस ना रहे और वो आपका जो आई मेकअप है वो बहुत अलग तरीके से ना दिखे। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो आउटर कॉर्नर है उस पर काफ़ी अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर ले। अब मैं यहाँ पे सेम पैलेट में से मैं दूसरा शेड लूँगी, और ये थोड़ा सा ग्लिटरी शेड है। इसमें से मैं यहाँ पे पीच कलर टाइप का ये जो शेड है इसको मैं अप्लाई करूँगी, और इसको आपको आउटर से लेके इनर तक आपको पूरे आईलिड पे इसको अप्लाई करते हुए इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। और जो दोनों शेड्स को आपको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, जिससे कोई भी आपके हार्श लाइन्स ना दिखे। इसी तरीके से मैं दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लेती हूँ इस आई शेडो को। ओके, तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे आप कोई से ब्रांड का आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का अप्लाई कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे विंग क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आज विंग क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ही हल्का सा मैं विंग यहाँ पर क्रिएट करूँगी, और मैं इसी तरीके से दोनों आईज़ पर इसको अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा थिक लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो नीचे की लोअर लाइन होती है उसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ, और जो मेरा पहले वाला जो मेबेलिन का आई शेडो पैलेट था उसमें से मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड ले रही हूँ, और इसको मैं अपने लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे आई लैशेज अप्लाई कर ली है। देन मैं यहाँ पे वाइट जो काजल होता है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, और जो वाइट काजल होता है उससे आपके जो आईज़ है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और उससे जो आपकी आईज़ है वो काफ़ी बड़ी भी लगती है। और इसको अप्लाई करने से आपका जो आई मेकअप है वो भी काफ़ी इन्हेंस होता है, बहुत सुंदर लगता है। और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। और इसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा इनर कॉर्नर में भी अप्लाई कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे फेस मेकअप करूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे मैक की बीबी क्रीम ले रही हूँ। आप चाहे तो फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो बीबी क्रीम है उसको मैं पूरे फेस पे टैप टैप करके मैं इसको अप्लाई करूँगी। टैप टैप करने से आपके पूरे फेस पे इवन तरीके से अप्लाई होता है। और यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी, आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। और आप ध्यान रखिए, आपने जो आई मेकअप किया है, जो आईब्रोज़ फिल करी है, उस पर आपका जो फाउंडेशन या बीबी क्रीम है वो उस पर टच ना हो, वरना जो आपकी आईब्रोज जो आपने फिल करी है वो भी ख़राब हो सकती है। इसको ध्यान से आपको करना होगा। और इसको मैं अपने पूरे फेस पे, नेक पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, और आप
ध्यान रखें जो भी फाउंडेशन बेबी क्रीम आप अप्लाई कर रहे हो वो आपके स्किन टोन से मतलब मिलता हुआ होना चाहिए। अगर आपका एक नंबर लाइट भी होता है तो भी काफ़ी अच्छे से वो आपके फेस पे जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे जो अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और इसको मैं अपने जो नेक एरिया होता है अपने फॉरहेड पे बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई करूँगी। यहाँ पे आप कोई सी ब्रांड का ब्लश अप्लाई कर सकते हैं और ब्लश आप ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपका जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने चीक एरिया पे अच्छी तरीके से ब्लश को अप्लाई कर लूँगी और जो ब्रश पे जितना भी बचा हुआ प्रोडक्ट होगा उसको मैं अपने थोड़ा सा नोज़ पर भी अप्लाई करूँगी, उससे काफ़ी अच्छा लगता है आपका ब्लश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी हाईलाइटर, और हाईलाइटर से आपका जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग सा लगता है, ग्लॉसी सा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं मेबेलिन का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से अपने नोज़ पे, चीक्स पे, आईब्रोज के नीचे जो भी एरिया मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूड शेड लगाऊंगी और अगर आपकी शादी में नहीं हुई है तो ये जो न्यूड शेड है वो काफ़ी अच्छे से जाएगा। और लिपस्टिक लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो भी मेरी एसेसरीज़ हैं उसको मैं वेयर कर लूँगी और एसेसरीज़ के बाद मेरा जो ये लुक है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो यही था मेरा आज का मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन बटन मिलेगा, उसको आप ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।